हेलो क्लास 12th। तो बच्चों आज हमारे पास हेलो एल्केन चैप्टर्स के तीन और नए पीवाईक्यूज हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म पे। तो बच्चों ध्यान रखना है कि SN1 जो मैकेनिज्म होती है उसमें थर्ड डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, फिर सेकेंड डिग्री और फिर फर्स्ट डिग्री। ठीक है बच्चों, ये SN1 रिएक्शन की फॉलो करती है कि थर्ड डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंड डिग्री और फिर फर्स्ट डिग्री। अब इस क्वेश्चन में देखो इन दोनों में से बताना है कि SN1 में जल्दी रिएक्शन कौन करता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सेकंड वाला जो है वो थर्ड डिग्री फॉलो करता है। डिग्री कैसे पता करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे जो है हमारे पास वो कितने और कार्बन लगे हैं। तो यहाँ पे दिखेगा 1, 2, 3, तो ये कौन सी डिग्री होगी? थर्ड डिग्री। इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे कितने कार्बन लगे हैं? 1, तो ये कौन सी डिग्री होगी? फर्स्ट डिग्री। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? थर्ड डिग्री वाला। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। हमें बताना है सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, तो सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है विच वुड अंडर गो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो बच्चों SN2 में फर्स्ट डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंड डिग्री और फिर थर्ड डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि डिग्रियों के हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है, तो फिर यहाँ पे दोनों की डिग्रियाँ सेम है। अब देखेंगे किसकी साइज बड़ा है। आयोडीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड की लंबाई भी बड़ी होगी, और बॉन्ड अगर लंबा होगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी, याद रखना। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि आयोडीन इसका आंसर होगा, और रीजन लिखेंगे कि आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, वो ज्यादा अच्छा छोड़ने वाला ग्रुप है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आइडेंटिफाई द काइरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग। बच्चों काइरल वो कार्बन होता है जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे काइरल को ये चेक करने की कोशिश करेंगे, तो पहले वाले में आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास इधर तो होगा CH3, यहाँ होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे होगा CH2। वहीं इस वाले केस में इधर क्लोरीन, इधर CH2, इधर एक हाइड्रोजन, इधर दूसरा हाइड्रोजन। तो क्या देखने में आ रहा है बच्चों, जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें चारों ग्रुप अलग अलग हैं। इसका मतलब ये वाला जो है वो कैसा मॉलिक्यूल है हमारे पास? इट इज़ अ काइरल मॉलिक्यूल। एंड होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप नए हो और ऐसे PYQs और करना चाहते हो तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हो।